नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे और परमात्मा से सदैव यही कामना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं परमात्मा पूर्ण करें। वैलेंटाइन डे आने वाला है, हर एक को इंतज़ार है कि उनका प्यार उनके साथ अधिक से अधिक वक्त बिताए, उनका प्यार उन्हें मिले, जो रूठे प्रेमीजन हैं उनका मिलाप हो। इसके अलावा जिनसे भी आपके कटु संबंध हैं उनमें मधुरता आए, क्योंकि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का दिन नहीं है या प्यार का दिन सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं होता है। प्यार एक इंसान को दूसरे इंसान से, प्यार एक देशभक्त को अपने देश से, माता पिता का बच्चों से, बच्चों का माता पिता से, गुरु का शिष्य से, हर एक का रिश्ता होता है, स्नेह बंधन होता है, स्नेह रिश्ता होता है। और स्नेह का बंधन ऐसा होता है जो बंधन होते हुए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रेम का रिश्ता बना रहे, जिनका प्यार उनसे रूठ गया है, जिनके अपने उनसे रूठ गए हैं, जिनके प्रेमी प्रेमिका आपस में संबंध खराब कर चुके हैं, उसको कैसे अच्छा करें, आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो में पूरे बने रहिए आप और पूरा वीडियो देखिए मित्रों। प्यार एक कोमल भावना है जो हर एक इंसान की ज़रूरत है, हर एक इंसान का मूल स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से शांति प्रिय जीव है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके जीवन में उपद्रव आते हैं तो जीवन की शांति भंग होती है, जीवन से प्यार का जिसको बोलते हैं समापन हो जाता है, और ऐसे में मनुष्य बहुत टूटा हुआ, चिड़चिड़ा, कई बार तो विक्षिप्त तक हो जाता है। तो इसलिए प्यार जीवन में प्राप्त होना, सुख सौभाग्य को जीवन में पाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्यार हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि व्यक्ति के खुद के ही इसमें ग्रह भी दोषी होते हैं और कई बार उसका स्वयं का स्वभाव भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कई जगह उपेक्षा को प्राप्त करता है। तो सच्चा प्यार कैसे पाएँ और किसी से भी आपके संबंध प्यार की वजह से बिगड़ गए हैं या प्यार आपका आपसे रूठ गया है तो उसको कैसे मनाएं, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जब आप अपने लव वन के लिए हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हैं तो वो वैसा ही बनता जाता है, ध्यान दीजिएगा, वैसा ही बनता जाता है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और हमेशा ये सोचिए कि आपका जो लव वन है वो आपसे रूठा नहीं है या रूठी नहीं है, सिर्फ आपका ही कुछ ऐसा नेचर है या आपने ही कुछ ऐसे वर्ड उसको बोल दिए हैं जो उसको पिंच हो गए हैं। तो अपने मन ही मन में क्षमा याचना कीजिए, आप एक वाइट पेपर लेकर उस पर उस प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखकर और सॉरी बोलकर आप उसको कहीं बर्न कर सकते हैं, कहीं उसको आप टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी वो बर्न हो गई है और अब आपके जो संबंध है दोबारा से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इससे संबंधों में सुधार होता है। अगर आप उसको बर्न नहीं करना चाहते, फ्लश भी नहीं करना चाहते, तो एक कागज़ पर सिर्फ लिख कर ही उसको फोल्ड करके कहीं पर डाल के आ जाइए, ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पैर ना पड़े, तो भी आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। जो आपके निमित्त बना है या बनी है वो आपके आपसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो आपके पास नहीं है तो इसका मतलब परमात्मा ने वो व्यक्ति या आपके लिए लिखा ही नहीं था या लिखी नहीं थी। तो इसलिए इस चीज़ को लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने कुछ ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो। सबसे पहले तो पाप ग्रहों का निवारण करें, सूर्य मंगल राहु केतु शनि इनका दान करें। सूर्य के लिए गुड़ का गेहूँ का दान करें, इसके अलावा शनि के लिए काले उड़द काले कपड़े का दान करें, इसके अलावा राहु के लिए नीला कपड़ा और काले उड़द का दान करें, नीले पुष्पों का दान करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गन्ने का दान करें, जटा वाला नारियल का दान करें। केतु के लिए आप कंबल का दान करें। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करें, लाल कपड़ा का दान करें। तो ऐसा करने से ये सारे जो पांचों पाप ग्रह हैं इनकी शांति होगी। और शुभ ग्रह को बढ़ाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दोनों का कंटिन्यू व्रत करिए। गुरुवार के दिन नमक मत खाइए, शुक्रवार के दिन खटाई मत खाइए। अगर वाकई में आपको प्यार चाहिए, जो आपका प्यार है उसी से आपकी शादी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा 3.25 रत्ती का पुखराज और कोई भी डायमंड या कोई भी चमकीला नग, ये दोनों एक साथ पेंडेंट के रूप में बनवा कर धारण कर लीजिए। मंत्रों का जाप करिए, बृहस्पति और शुक्र के मंत्रों का जाप करिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन फुल मून का दर्शन कीजिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की प्यार संबंधी जो समस्या है वो नष्ट होगी और प्यार संबंधी जो आपको शुभता चाहिए थी वो आपको प्राप्त होगी। साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, एक ही कपड़े जब आपने पहन लिए तो दोबारा उनको वॉश करके ही पहनिए। हो सकता है इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो अति आवश्यक है यदि आपको अपने ग्रहों की शुभता को बढ़ानी है। फिर भी आप अपने घर के आसपास जल स्तर को देख लीजिए, अगर जल का संकट है तो फिर कम से कम कपड़े ऐसे एक जोड़ी कपड़ा ऐसा रखिए जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, घर के और बाहर के कपड़े अलग रखिए। ये व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि कुछ लोग
कहते हैं रोज़ रोज़ कपड़े धोने से जल की बर्बादी है, तो वैसे वो बात सही भी है, लेकिन ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यदि आप हमसे कोई उपाय पूछेंगे तो हम तो आपको वही बताएंगे जो सही है। ये व्यवस्था, वो जल संबंधी कटौती आप अन्य चीज़ों में कर लीजिए, या इसको थोड़ा कम पानी में ही आप धो लीजिए। ये सब आप करके ये उपाय करिए। आपकी बेडशीट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, आपको परफ्यूम डियो का प्रयोग करना चाहिए, श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से समस्त ग्रह दोष आपके दूर होते हैं, तो ऐसा आप करिए जरूर, और इससे आपको आपका खोया हुआ प्यार जरूर मिलेगा। इसके अलावा वशीकरण के चक्कर में मत पड़िए, सच्चा प्यार सबसे बड़ा वशीकरण होता है, आपके व्यक्तित्व की सच्चाई सबसे बड़ा वशीकरण होता है। अगर आप हृदय से सच्चे हैं तो आपके प्रेमी या प्रेमिका को आपकी बात जरूर समझ में आएगी और फिर वो आपके पास लौट कर आएगा। इसके अलावा इसके भी मंत्र हैं जिसके द्वारा आप प्रेमी या प्रेमिका को आकर्षित कर सकते हैं, तो आकर्षण के लिए जो मंत्र है वो मैं शीघ्र ही आपको बताऊंगी, वैलेंटाइन डे से पहले बताऊंगी, एक दो दिन पहले ही बताऊंगी मैं आपको वो, तो वो भी आप वैलेंटाइन डे के दिन जप कर प्रेमी प्रेमिका से संबंधित जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो भी आपकी दूर हो सकती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। 20 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है, लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, बहुत से लोगों की समस्याओं का निवारण कर चुकी हूँ। मित्रों ये आप भी उठाइए, और 31 जैन तक अभी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है आपकी कुंडली पर। तो कुंडली में भी ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं कि आपका बार बार प्रेमी से संबंध टूटता है, प्रेमिका आपको छोड़कर चली जाती है, तो कुंडली की जांच जरूर करवाइए। निश्चित रूप से आपका शुक्र जरूर पीड़ित है, बृहस्पति भी पीड़ित है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।